नमस्कार, इस समय हम लघु सचिवालय में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से काफी किसान यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके आज ड्रा निकलने हैं। सुपर सीडर बेलर के अलावा जो भी कृषि संबंधित उपकरण हैं उनको लेकर किसान पहुंचे हैं और कृषि अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। तो किन किन जो कृषि उपकरणों के ड्रा निकले हैं और किस विधि से निकले हैं और किसान कहाँ पता कर सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए जो कृषि अधिकारी जेसी मलिक हमारे साथ मौजूद है तो उनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी। देखिए, जैसा कि हर साल कृषि यंत्रों पर सरकार द्वारा जो CRM के कृषि यंत्र उन पर अनुदान दिया जाता है, तो आज के कार्यक्रम में जो 2024 पट्टियों कृषि यंत्र जो सब्सिडी पे दिए जाने हैं उनके लिए ऑनलाइन ड्रा का आयोजन किया गया, और जिसके तहत अब की बार CRM स्कीम में 4 मशीनें शामिल की गई हैं। उन मशीनों के नाम बता देता हूँ मैं। उनमें मेन मशीन है स्ट्रा बेलर मशीन, जो पराली की गांठ बनाने के काम आती है। दूसरा है स्ट्रा रेक, और तीसरा है सर्व मास्टर या रोटरी स्लेसर बोलियो, और चौथी, ये 4 टाइप की मशीनें हैं और एक मशीन है सुपर सीडर। तो इन सभी मशीनों के लिए आज ऑनलाइन ड्रा का आयोजन किया गया और काफ़ी किसानों के बीच में, और जो भी DLEC के मेंबर थे, माननीय SDM साहब थे, उनकी अध्यक्षता में ड्रा का आयोजन किया गया। सर, अगर बात करें कितनी कितनी मशीनें किसानों को दी जाएंगी, इसके लिए अभी मुख्यालय से लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन आज सभी किसानों का, मतलब सभी एप्लीकेंटों की सीनियरिटी बना दी गई है, तो टारगेट आते ही उसके हिसाब से परमिट जारी कर दिए जाएंगे। तो अब जो ड्रा निकाले हैं, किसान जो यहाँ नहीं पहुँचे कहाँ देखते हैं? ऐसे सभी किसानों को, जो मेरा ऑफिस है वहाँ बार लिस्ट चस्पा भी दी गई है, और कोई भी किसान फोन के माध्यम से पूछना चाहे तो कार्यालय में फोन कर सकता है जी। तो सब्सिडी की बात करें, कितनी कितनी सब्सिडी है? इन सभी मशीनों पर 50% सब्सिडी का प्रावधान है अभी। हाँ, सारा ये ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से ही सिलेक्शन हुआ है। तो अब जैसे टारगेट आएगा तो किसानों को फोन करके बुलाया जाएगा, किस तरह? हाँ, ऐसा जो भी टारगेट के हिसाब से सिलेक्टेड किसानों को कार्यालय से फोन किए जाएंगे, और उनसे जो जरूरी कागजात हैं वो कागजात मंगवाकर पूरी, मतलब उनकी स्क्रूटनी करके, तो उनको परमिट जारी किए जाएंगे। तो ये कब तक मिल सकते हैं? ये आने वाले 10 दिनों के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ कृषि अधिकारी जेसी मलिक जी, जिन्होंने बताया कि जो किसानों के उपकरण आज निकले हैं किस विधि से निकाले हैं, और किसान जो यहाँ नहीं पहुँचे वो जो कृषि अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर, यानी जिला परिषद के पास जो कार्यालय, वहाँ अपने लिस्ट में नाम देख सकता है, और 50% जैसे उन्होंने बताया कि सब्सिडी है, और जल्द ही किसानों को ये उपकरण बांट दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।